हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेडॉक्स का रिवीजन करेंगे। रेडॉक्स दो टर्म से मिलकर बनना है, एक होती है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। REDफॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को यहां पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है क्या क्या होता है इसमें। क्लासिकल मेथड और उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी आई वो सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, बट वो सारी मैंने यहां पर मेंशन की हुई है। अब देखो, सबसे पहले ये मानते थे रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप करते भी हैं, जब भी आप रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन चिपका देते हैं। ऐसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आप देखो ज्यादा ध्यान से, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन रिलेटिवली। तो फिर आगे थ्योरी बनी, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, या एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहां ऑक्सीजन के नाम हटाकर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, हाइड्रोजन के नाम हटाकर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऐसे आप याद रख सकते हैं टर्म को। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीडेशन होता है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो ये लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। मेनली हमको जो चीज चैप्टर के अंदर याद रखनी है वो ये, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो जाएगी, इसका मतलब ये वो कहलाएगा रिडक्शन। इसी टाइप से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। दोबारा फाइनल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है रिडक्शन में, रिडक्शन की स्पेलिंग को ध्यान से देखो, रिड्यूस से बनी हुई है रिड्यूस। इसी टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैंने यहां एक एग्जांपल लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। आप देखो O2 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू H2O, और मैं मेनली आपको यहां पर दो पॉइंट बताने वाला हूं, वो है इलेक्ट्रॉन के बेस पे मेनली आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। आप देखो यहां पर O2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ये मैंने जीरो लिखा हुआ है। हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, जब H2O2 आपस में कंबाइन होकर H2O बना लेते हैं तो आप देखो ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट था -2 और हाइड्रोजन पर +1। तो आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का जीरो से -2 में चेंज होना यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना, यानी उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा, तो ऑक्सीजन का हुआ रिडक्शन, ये लिखा हुआ है रिडक्शन। इसी टाइप से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से +1 में कन्वर्ट होना, जीरो से +1 में कन्वर्ट होना यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसका मतलब ये रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो जरा ध्यान से देखो, ये जो H2 है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ इसका, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके इलेक्ट्रॉन देने से कोई दूसरा रिड्यूस हुआ, यानी ये एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने ये लिखा हुआ है H2 के नीचे रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है यानी वो किसी और को रिड्यूस करता है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेकर, किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है। तो यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। और आगे भी आप बाकी एग्जाम्पल में ऐसे ही सोच देख सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इन शॉर्ट में हम ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, नॉन रेडॉक्स और रेडॉक्स। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का मेनली पर्पज होता है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आता, नॉन रेडॉक्स कहलाती हैं। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस टाइप की कोई रिएक्शन है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिनको हम पढ़ते हैं, वो सब नॉन रेडॉक्स में आती है। जैसे मैंने लिखा हुआ है AgNO3 कन्वर्ट इनटू, सॉरी AgNO3 प्लस NaCl कन्वर्ट इनटू AgCl प्लस NaNO3। आप देखो यहां पर Ag पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इधर Ag पर देखो +1 है, कोई चेंज नहीं आया। ऐसे NO3 पूरा का पूरा देखो आप NO3 -1 है,
इधर भी एनओ थ्री पर पूरा का पूरा चार्ज एज इट इज माइनस वन है, एनए पर इधर प्लस वन है, सीएल पर माइनस वन है, इधर सीएल नेगेटिव माइनस वन है, एनए पॉजिटिव है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं आया, प्रोडक्ट साइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही रिएक्टेंट साइड था। इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन रेडॉक्स है, इसमें ना रिडक्शन हुआ है ना ही ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज NH4Cl, NH4Cl में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम यही केस है, इसमें भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुए हैं, तो ये भी नॉन रेडॉक्स का एग्जांपल है। NH4 होल ट्वाइस CO3, यहां पर भी आप देखेंगे सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड नॉन रेडॉक्स का एग्जांपल है ये। नाउ नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी थी मैंने वही रिएक्शन वापस यहां रिपीट कर दी है, H2 plus O2 convert into H2O, H2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो, O2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो, हाइड्रोजन पर यहां पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन पर माइनस टू, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का क्या हुआ रिडक्शन और हाइड्रोजन क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ये आरईडी फॉर रिडक्शन। नेक्स्ट अब रेडॉक्स रिएक्शन को हमने दो मेन पार्ट में रखा हुआ है, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। आप देखो यहां पर लिखा हुआ इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स या बिटवीन टू स्पीसीज। इसका मतलब यह है कि यहां पर जिंक और CuSO4 के बीच रिएक्शन हो रही है, तो आप देखो Zn Cu को रिड्यूस करेगा, Zn पे अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जीरो, Cu पे कितना है प्लस टू, यहाँ Cu कितना हो गया जीरो और जिंक कितना हो गया प्लस टू। आप देखो SO4 में कोई चेंज नहीं आया, SO4 एज इट इज प्रेजेंट है, यानी SO4 को बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन उनको कहा जाता है जो सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है एज इट इज, वो सिर्फ वैलेंसिंग के लिए या कंपाउंड के साथ होते हैं इसलिए प्रेजेंट रहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। आप देख सकते हैं आप स्पेक्टेटर आयन को अगर आप आयनाइज फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों साइड से SO4 कट जाएगा, यानी मेनली रिएक्शन हो रही है जिंक और कॉपर के बीच में। आप देखो यहां पर कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन और जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, यानी आप इस रिएक्शन को मैं SO4 नहीं लिखेंगे तब भी ये रिएक्शन सही है। नाउ ये था इंटर मॉलिकुलर, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रेडॉक्स हो रहा था। अब आता है हमारे पास इंट्रा मॉलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा मतलब रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में रिडक्शन भी दिखाई दे रहा है और ऑक्सीडेशन भी। जैसे आप यहां पर देखो इस केस में NH4NO3 कन्वर्ट इंटू N2O प्लस 2H2O, इसमें NH4NO3 में NH4 में यहां पर नाइट्रोजन पर प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पर इस वाले नाइट्रोजन पर प्लस 5 है, ये नाइट्रोजन प्लस 5 ये नाइट्रोजन प्लस 3 है। आप देखो यहां नाइट्रोजन पर प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, यानी अगर आप इस नाइट्रोजन से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखो प्लस 5 से प्लस 1 में कन्वर्जन रिडक्शन हुआ और प्लस 3 से सॉरी ये माइनस 3 है, माइनस 3 ये माइनस 3 से माइनस 3 से प्लस 1 में कन्वर्जन ये ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप देखो ये एक ही मॉलिक्यूल था जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल में जब रेडॉक्स होता है या रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम मेनली टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो हमने जिन जिन रिएक्शन में हमको रेडॉक्स मिलता है उसको लिखा हुआ है, कितने टाइप्स के मिल सकते हैं, क्या क्या रेडॉक्स हो सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कोई दो एलिमेंट या अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में आपस में कंबाइन होते हैं और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा उनमें चेंज आएगा तो वो रेडॉक्स होगा। जैसे आप देखो Na plus O2 convert into Na2O, Na पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इनके एलिमेंटल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही होती है। Na पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, ऑक्सीजन पर माइनस टू, आप देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ रिडक्शन, Na का क्या हुआ ऑक्सीडेशन। सेम केस
थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी किसी सब्सटेंस को अगर ब्रेक करें और वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो और अगर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहे हैं तो वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन कही जाएगी। आप देखिए FeO में Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू, ऑक्सीजन पर माइनस टू, लेकिन Fe पर प्रोडक्ट साइड जीरो, ऑक्सीजन पर जीरो। आप देखो ऑक्सीजन क्या हुआ, माइनस टू से जीरो में कन्वर्जन यानी ऑक्सीडेशन, और प्लस टू से जीरो में कन्वर्जन यानी कि रिडक्शन। तो ये रिएक्शन भी रेडॉक्स कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, यहां पर दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एक्टिविटी सीरीज होती है जैसे आपने पढ़ा है KNaCaMg, इस टाइप से वो सीरीज है जिसे आपने पढ़ रखा है। उस सीरीज में जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिप्लेस कर देते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से, राइट? तो अगर मेटल आयन डिस्प्लेस हो रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर कोई नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देखो यहां पर मैंने दो पार्ट बनाए हुए हैं, एक बनाया हुआ है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा लिखा हुआ है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या आयन फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, और आप रिएक्शन वही लिखी हुई है Zn plus CuSO4 convert into Cu plus ZnSO4। Zn पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, Cu पर प्लस टू, जिंक पर सॉरी कॉपर पर जीरो और जिंक पर प्लस टू। आप देख सकते हैं जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन। मैंने सेम एग्जांपल इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि आपको वो बात जल्दी समझ में आ जाए, हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का। आप देख सकते हैं यहां पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, ये रिएक्शन कहलाएगी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि इसमें मेटल डिस्प्लेस हुआ। आप एक और एग्जांपल देखो, यहां पर F2 एक नॉन मेटल है, अगर नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा तो उसमें एक थ्योरी होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस ध्यान से सुनना, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, इसमें मैंने इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला है, और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव नॉन मेटल, राइट? तो मोर जब नॉन मेटल की बात आती है तो आप इलेक्ट्रो नेगेटिव की टर्म यूज करते हैं, ओके? लेकिन अगर मेटल से ही नॉन मेटल डिस्प्लेस करना है तो आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव का केस देखेंगे। आई रिपीट, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, उसमें मेटल भी आ सकता है और नॉन मेटल भी आ सकता है। आप देखो F2 plus H2O convert into HF plus O2, F2 मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है और वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है, दोनों नॉन मेटल हैं, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है। आप देखिए यहां पर F2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, या F पर माइनस वन है, ऑक्सीजन पर माइनस टू है, ऑक्सीजन पर जीरो है। आप देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन और फ्लोरीन क्या हुआ रिडक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एल्कली मेटल में होती है, मोस्ट ऑफ द केस में नॉन मेटल एल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, बट इसमें फ्लोरीन एक्सेप्शन है। फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो जीरो से माइनस वन तक मिलती है, इसके अलावा और कोई नहीं मिलती है, तो इसका और कोई ज्यादा डिफरेंस आ नहीं सकता, अलग अलग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट मिल नहीं सकते, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा जीरो से माइनस वन तक, इसलिए हमने इसमें एक्सेप्शन में फ्लोरीन होता है यहां पर। तो हम फ्लोरीन के अलावा और किसी भी नॉन मेटल के लिए बात कर सकते हैं। मैं लिखा हुआ है नॉन मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली सॉल्यूशन और ये शो करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप देखिएगा यहां पर X2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली KOH इस प्रेजेंट बन जाएगा KX प्लस KXO। यहां X का मतलब है Cl2 Br2 I2, यानी आप ये बोल सकते थे Cl2 प्लस KOH कन्वर्ट इनटू KCl प्लस KClO। अब आप इसमें ध्यान से देखो इस चीज को कि यहां पर जो आपने रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन में X पर यहां पर माइनस वन चार्ज है और यहां पर प्लस वन चार्ज है, यहां पर जीरो चार्ज है। आप देखो यहां पर जीरो से प्लस वन तक रिडक्शन हुआ और जीरो से माइनस वन तक रिडक्शन हुआ
और 0 से प्लस 1 तक ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। और आप जानते हैं जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की तो हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हेलोजन बोला इसलिए मैं फ्लोरीन टर्म यूज कर दिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो माइनस वन होगा, यानी कि अगर ये रिड्यूस होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएंगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये प्लस में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दे सकते हैं। ये आपको पता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो रेंज होती है वो माइनस वन से लेकर प्लस सेवन तक होती है, प्लस सेवन तक। तो अगर हम ध्यान से देखो, अभी ये रूम टेम्परेचर पर या कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर हुआ, लो टेम्परेचर पर इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन बढ़ जाता है, रूल ये कहता है। बट इसमें रिडक्शन जितना होना था हो चुका, तो अब हम टेम्परेचर बढ़ाने पर केवल हमें इनका ऑक्सीडेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देखिएगा X2 plus KOH convert into KX plus KXO3। आप देखो यहां पर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, यानी हाई टेम्परेचर पे या हॉट कंडीशन में बात की है, तो यहाँ X2 जीरो से माइनस वन में कन्वर्ट हुआ, ये तो कहलाएगा हमारे पास रिडक्शन। आप देखो ये रिडक्शन पहले भी था, तो रिडक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया टेम्परेचर चेंज करने पे या हॉट कंडीशन में, बट जीरो से प्लस फाइव तक यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव मिलेगा, प्लस फाइव तक, तो ऑक्सीडेशन बढ़ गया। तो इसका मतलब ये कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बढ़ना चाहिए, बट यहां पर केवल कौन बढ़ता हुआ मिल रहा है हमको, मेनली ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिडक्शन जितना होना था वो लो टेम्परेचर पे पहले ही हो रखा है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है पहले इस बात को समझ लो। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक एलिमेंट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप देखो जीरो से जो हेलोजन है वो माइनस वन और प्लस वन में कन्वर्ट हुआ है, यानी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, या जीरो से माइनस वन में और प्लस फाइव में कन्वर्ट हुआ है, यानी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हम इसका उल्टा बोलें, उल्टे का मतलब ये कि अगर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये रहा वो कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप देखिएगा यहां पर H2S में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है माइनस टू, SO2 में प्लस फोर है, और यहां सल्फर पर जीरो है। आप देखो ये सल्फर से प्लस फोर से इसमें कन्वर्ट हुआ, राइट यहां पर आप देखो सल्फर से ये सल्फर से ये सल्फर, आप देखो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू एंड प्लस फोर जीरो में कन्वर्ट हुए, कंबाइन हो गए, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन, यानी दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइन होकर नया कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मिला, दैट इज कॉम्प्रोपोर्शनेशन। लेकिन कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में होती है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्योंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, मैंने पहले बोला है बेसिक मीडियम में, तो ये बात आपको याद रखनी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल बेसिक मीडियम में होती है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। ये तो था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जो इस चैप्टर में काम आते हैं, मैं जल्दी बता देता हूं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू लिखा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप वॉल्यूम को ml में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, और नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है 1। सेम अब बात आती है कि सर इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है, पहले तो याद रखना, कहीं पे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, एक ही चीज है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट, जो भी मास दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, गिवन वेट का मतलब मैं w लिख देता हूं, w डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट e, यानी w अपॉन e कहीं लिखा है तो दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो अब क्वेश्चन आता है सर n फैक्टर क्या होता है, तो n फैक्टर के लिए वेट करो। अब इसके बाद हम n फैक्टर ही शुरू करने वाले हैं, बट मैं तीनों फॉर्मूले में कुछ मर्जिंग कर देता हूं। आप देखो सेकेंड और थर्ड फॉर्मूले को, यानी कि हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की वैल्यू इसमें रख सकते थे, अगर हम इसमें रखेंगे तो ये n फैक्टर ऊपर आ जाएगा, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर। और आप देखो ये
गिवन वेट अपॉन मोलर मास क्या बन गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बहुत जगह यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। अब आप देखो इस फॉर्मूले को हम यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को फर्स्ट वाले फॉर्मूले में रख दें, फर्स्ट वाले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहां पर डाल देते हैं। यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर ये हमारे पास क्या बन गया, मोलारिटी, क्योंकि मोल्स अपॉन वॉल्यूम आ गया, यानी हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला अलग से लिख देता हूं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है आप इसका यूज करो। नेक्स्ट इज, अब बात आती है एन फैक्टर क्या होता है। मैंने इसमें जो एन फैक्टर को मेंशन किया तो डाउट था कि एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एन फैक्टर, पहली बात तो ये एन फैक्टर वन मोल के लिए डिफाइन होता है। एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और जीरो नहीं होता है, ये बात आप दिमाग में बिठा लो, फिर आप सही आंसर निकाल सकते हैं। और कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन और एक्शन कुछ भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा और वन मोल के लिए डिफाइन होता है। किसी भी वन मोल सब्सटेंस के लिए, वन मोल बोला है, वन मॉलिक्यूल नहीं बोला है, वन मोल के लिए डिफाइन होता है। ओके, तो एसिड में एन फैक्टर क्या होता है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं इन चीजों को। एसिड, एसिड क्या होते हैं, जो एच आयन दे सकते हैं। तो जो भी एसिड जितने एच आयन दे सकता है, इट कैन बी, वो उसका एन फैक्टर कहलाता है, राइट। लेकिन अब ये तो मैक्सिमम एन फैक्टर हो गया, बट रिएक्शन में जरूरी थोड़ी है वो सारे सारे एच आयन दे देगा। तो जो जिनमें एक से ज्यादा प्रोटोन होते हैं, एक से ज्यादा एच आयन होते हैं, वो एन फैक्टर रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने लिखा HCl, HCl न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कितने एच आयन देगा, एक एच आयन देगा, तो HCl का एन फैक्टर वन होगा। HNO3, इसका एन फैक्टर भी कितना होगा, वन होगा, राइट। लेकिन H2SO4, अब H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, H2SO4 तो दो प्रोटोन दे सकता है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर टू होगा, बिल्कुल ठीक बात है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये कभी कभी रिएक्शन में एक एच आयन भी तो देता है, जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है H2SO4 plus NaOH gives us NaHSO4 plus H2O। आप देखो यहां पर H2SO4 में दो H हैं, यहां पर अभी एक H बचा है, यानी इस रिएक्शन में इसका इन्फेक्टर वन है। आप दूसरी रिएक्शन देख लो, H2SO4 plus NaOH gives us Na2SO4 प्लस एच टू ओ। बैलेंस नहीं किए मैंने, बैलेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं। इसका इन्फेक्टर कितना होगा, टू, क्योंकि अब आप देखो यहां पर दोनों में, यहां पर दो एच थे, अब एन ए टू एस ओ फोर में एक भी एच नहीं, यानी उसने दोनों एच आयन दे दिए। तो कुल मिला के रिएक्शन देख के बताना पड़ेगा, अगर जितने एच आयन देगा वो उसका इन्फेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दिए तो आप उसका इन्फेक्टर मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे, और एच टू एस ओ फोर का मैक्सिमम इन्फेक्टर कितना होता है, टू। इसी टाइप से मैं यहां पर और एग्जाम्पल बता देता हूं, H3PO4 के पॉसिबल इन्फेक्टर कितने हैं, वन है, टू है, थ्री है। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दिए तो आप उसका मैक्सिमम इन्फेक्टर कितना सिलेक्ट करेंगे, थ्री। उसका मैक्सिमम इन्फेक्टर कितना सिलेक्ट करेंगे आप, थ्री। लेकिन अगर रिएक्शन दिए तो रिएक्शन देख के बताना है कि वन भी पॉसिबल है, टू भी पॉसिबल है, थ्री भी पॉसिबल है। सेम केस बेस में होती है, बेस में भी आपको यही करना होता है, जितने OH आयन देते हैं उतने इन्फेक्टर कहलाते हैं। अब जैसे NaOH है, वो कितने एच आयन दे सकते, कितने OH आयन दे सकता है, एक, तो उसका इन्फेक्टर वन। KOH का इन्फेक्टर वन, CaOH2H का इन्फेक्टर पॉसिबल इन्फेक्टर वन एंड टू। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दिए तो आप इसका मैक्सिमम इन्फेक्टर सिलेक्ट करेंगे, टू। लेकिन अगर रिएक्शन दिए तो आप देखो उसने कितने OH आयन रिलीज किए, जैसे CaOH2S प्लस CaOH2S प्लस HCl gives us CaClOH plus H2O। अब आप देखो यहां पर इसका इन्फेक्टर वन है, क्योंकि इस रिएक्शन में इसने एक ही OH दिया है। लेकिन अगर रिएक्शन ये होती CaOH whole twice plus HCl gives us CaCl2 plus H2O, आप देखिए यहां पर इसका इन्फेक्टर कितना होता, टू, क्योंकि इसने अब यहां पर दोनों OH रिलीज कर दिए हैं। मैं जानबूझ के रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बिना बैलेंस के भी आप इन चीजों को पहचान सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है ना। और वैसे ही मैंने बताया कि एन फैक्टर कितने मोल के लिए डिफाइन है, वन मोल के लिए। तो आप दिमाग में ये बात याद रखो, वन मोल के लिए कैलकुलेट करना है। फॉर कंपाउंड्स,
कंपाउंड मैन्युफैक्चर अगर रिएक्शन नहीं दिए तब बात कर रहे हैं। कंपाउंड मैन्युफैक्चर क्या होता है, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज ऑन देम, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज ऑन देम, मतलब इसमें NaCl में देखो केवल Na पर चार्ज देखो प्लस वन है तो उसका इन्फेक्टर वन, या केवल Cl का चार्ज देखो किसी एक का, क्योंकि भाई कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल होते हैं तो जितना कैटायनिक चार्ज होगा उतना ही एनायनिक चार्ज होगा, राइट। अगर चार्ज है किसी कंपाउंड पर तो वो आयंस हैं, वो कंपाउंड अकेला नहीं है, तो ठीक है आयनिक कंपाउंड हम उसको बोल देंगे, बट मेनली जब कंपाउंड बोला जाता है तो बाय डिफॉल्ट आप इस बात को याद रखें कि वो न्यूट्रल ही लेके चलना है आपको, तो एन फैक्टर वन होगा। इसी टाइप से CaCl2 में, CaCl2 में टोटल कैटायनिक चार्ज कितना है 2, तो आप इसका एन फैक्टर 2 रख सकते हैं। ये टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है दोनों Cl का मिला के कंपाउंड के अंदर, दैट्स वाई वो भी 2, तो एन फैक्टर 2। ऐसे Ca3PO4 उल्टा इसमें आप देखो एक Ca पे प्लस 2 होता है, लेकिन यहाँ 3 Ca प्रेजेंट है, तो 3 Ca प्रेजेंट यानी टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस 6, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 6। या एक PO4 पर ट्रिपल नेगेटिव होता है, तो 2 PO4 है, तो 2 PO4 के अकॉर्डिंग टोटल नेट नेगेटिव चार्ज कितना हो गया -6, यानी कि इसका एन फैक्टर 6। आपको एन फैक्टर में कोई साइन नहीं लगाना है नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पता है एन फैक्टर पॉजिटिव में ही लिखा जाता है, नेगेटिव में मैंने पहले बोल दिया नेगेटिव एन फैक्टर नहीं होता, जीरो नहीं होता, और एन फैक्टर वन मोल के लिए डिफाइन है। फॉर एलिमेंट्स कोई रिएक्शन नहीं दिया तब की बात कर रहे हैं, एन फैक्टर क्या होगा एलिमेंट का, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अब आप देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो इनका जो एन फैक्टर होगा वो सभी का वन ही होगा। आप किसी का भी एन फैक्टर देख लो, इनका एन फैक्टर वन होगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इसी टाइप से सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा, रिएक्शन नहीं दिया आप नॉर्मल बात कर रहे हैं जो वैलेंसी होगी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है उसमें क्या करेंगे, जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है उनका इन्फेक्टर हम ऐसे अंदाजा नहीं लगाएंगे, उनको प्रॉपर रिएक्शन में ही देखेंगे। फॉर आयंस रिएक्शन नहीं दिया तब की बात कर रहे हैं, आयंस ये अवायनिक कंपाउंड ही बोल सकते हैं इनको, बट नॉर्मली कंपाउंड जब बोलोगे तो न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड। तो आयंस में एन फैक्टर होता है चार्ज ऑन देम, एन फैक्टर क्या होगा यहां पर चार्ज ऑन देम। आप देखिए यहां पर इसका एन फैक्टर 1, इसका इन्फेक्टर 1, इसका इन्फेक्टर 2, इसका इन्फेक्टर 2, इसका इन्फेक्टर 3। मैंने जानबूझ के पॉजिटिव नेगेटिव वाले एग्जांपल लिए थे, कैटायन और एनायन, मैंने इसलिए लिए थे एग्जांपल क्योंकि इन्फेक्टर में मैं आपको बता सकूं सीएल पर नेगेटिव -1 है लेकिन इन्फेक्टर 1 है, एनए पर +1 है बट इन्फेक्टर 1 है, राइट, एमजी पर +2 है इन्फेक्टर 2 है, SO4 पर -2 है बट इन्फेक्टर 2 है। नेक्स्ट इज फॉर एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस में भी एनफेक्टर बिल्कुल वैसे ही देखना है जैसे हमने H2SO4 वगैरह में देखा, कितने HIN OHIN रिलीज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग एनफेक्टर। अब आप देखो NaH2PO4 एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है, अभी इसमें 2 HIN दिख रहे हैं आपको, लेकिन इधर आप देखो Na2HPO4 लिखा हुआ है प्लस H2 वगैरह जो भी बनाना है बनाए, वो कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पर 2 H है और इधर 1 H है, इसका मतलब इसने केवल 1 H एक्सचेंज किया है और 1 H चेंज हुआ है, तो जैसे पहले इन्फेक्टर लिखा जाता तो वैसे यहाँ पर लिखेंगे, इसका इन्फेक्टर हो गया 1। लेकिन अगर इसने दोनों HIN चेंज कर दिए होते तो इसका इन्फेक्टर यहां पर भी 2 हो जाता। मैंने यहां से नेक्स्ट रिएक्शन लिखा हुआ है NaHPO4 कन्वर्ट इनटू Na3PO4। अब आप देखो यहां पर 1 H है और यहां पर एक भी H नहीं है, तो इसका मतलब इसने एक HIN दिया, तो इसका इन्फेक्टर 1। नाउ एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर एन फैक्टर हमें देखना है अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज के बेस पर, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, लेकिन वो किसके लिए 1 मोल के लिए, 1 मोल में हम एन फैक्टर काउंट करते हैं। मैंने पहले बता दिया एन फैक्टर नेगेटिव नहीं होगा और जीरो नहीं होगा, मैंने ये बात यहां पर लिखी हुई है। एन फैक्टर होता क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटोमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, अभी एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा, और ये बात मैं आपको पहले ही बोलता आ रहा हूं। तो जैसे MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव में देखना जरा ध्यान से, यहां पर चलो पहले I2 की बात करते हैं, I2 में, I2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, सिर्फ आप मेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखो, I2 पर चार्ज 0 है और इधर I पर चार्ज -1 है, इसमें इस 2 को नहीं भी देखोगे तब भी आंसर मिल जाएगा। अब आप देखो एक I2 पर रिएक्टेंट साइड देखना, मैं I2 का इन्फेक्टर निकालना चाह रहा हूं, I2 का, क्योंकि इन्फेक्टर 1 मोल के लिए होता है, यहां 1 मोल लिखा हुआ है, I2 के आगे 1 लिखा हुआ है। अब आप देखो यहां पर 0 से -1 में चेंज हुआ, तो कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, बिल्कुल 1 का चेंज आया, तो एन फैक्टर क्या होगा,
ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का है 1, और यहां पर एटोमिसिटी कितनी है 2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटोमिसिटी इज इक्वल टू 2, ये इसका एन फैक्टर हो गया आई टू का। ऐसे ही एन फैक्टर ऑफ आई नेगेटिव, यहां पर आपको 2 नहीं देखना है, क्वेश्चन आता है 2 क्यों नहीं देखना, 2 तो 2 मोल के लिए डिफाइन हो जाएगा, हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो हमें इस 2 की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखो आई पर चार्ज कितना है -1 और इधर चार्ज कितना है 0, तो आई नेगेटिव पर चार्ज अगर -1 था, -1 से 0 में चेंज देखेंगे तो 1 का चेंज है, तो आप 1 लिखेंगे यहां पर, लेकिन यहां पर आई की एटोमिसिटी कितनी है 1, तो आप 1 लिखेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 1, तो इसका एन फैक्टर 1, तो आप कैसे भी एन फैक्टर देख सकते हैं, राइट। सेम केस एच पॉजिटिव, जो मैंने ऊपर बताया एच पॉजिटिव पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1, इधर कितना है 0, तो ये +1 से 0 में चेंज आया, 1 का चेंज है, इसका इन्फेक्टर 1 और इसका इन्फेक्टर 2, क्योंकि यहां पर चेंज 1 आया लेकिन 1 एटोमिसिटी कितनी है 2, तो यहां पर भी हम 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं आगे, है ना। अब देखो यहां पर MnO4 नेगेटिव, Mn में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7, यहां Mn पर कितना है +2, तो आप देखो कितने का चेंज आया 5 का, और यहाँ एटोमिसिटी ऑफ Mn कितनी है 1, Mn की एटोमिसिटी देखनी है पूरे कंपाउंड की नहीं, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है उसी की एटोमिसिटी चेक करनी है आपको, तो यहां पर इसका इन्फेक्टर कितना हो गया 5। इसी टाइप से इसका भी इन्फेक्टर 5, आप देखो रिवर्स साइड में +2 से +7 में चेंज 5 का चेंज। इसी टाइप से यहां पर देखो MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट +7, Mn पर +4, एन फैक्टर 3, ये भी आप 3 लिख सकते हैं। सेम केस हियर +7, यहां पर +6, एन फैक्टर कितना आ गया यहां पर 1। अब आप देखो यहां पर जो मैंने लिखा है ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, लर्न करना है आपको, क्योंकि जब भी Mn किसी भी स्टेट में हो लेकिन अगर एसिडिक मीडियम दिया है तो आपको Mn को उसे कन्वर्ट करना है किसे Mn डबल पॉजिटिव में, तो एसिडिक मीडियम में Mn की एग्जिस्टेंस आपको Mn डबल पॉजिटिव में बतानी होती है। सेम अगर न्यूट्रल मीडियम दिया हुआ है तो न्यूट्रल मीडियम में Mn की एग्जिस्टेंस आपको Mn +4 में बतानी है, बेसिक मीडियम में Mn की एग्जिस्टेंस आपको Mn +6 में बतानी है। ओके नाउ नेक्स्ट K2Cr2O7, K2Cr2O7 में Cr पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और इधर Cr पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, एक Cr में चेंज आया 3 का, लेकिन यहां पर n फैक्टर कितना होगा। अब आप देखो एक Cr में चेंज 3 का है तो 3, और यहां पर Cr की एटोमिसिटी कितनी है 2, तो इक्वल टू कितना हो गया 6, दिस इज n फैक्टर ऑफ K2Cr2O7। और यहां पर Cr ट्रिपल पॉजिटिव का n फैक्टर 3, क्योंकि एक Cr में यहां पर चेंज देखोगे 3 का, लेकिन यहां Cr ट्रिपल पॉजिटिव की एटोमिसिटी कितनी है 1, तो 3 × 1 3 ही रहेगा। सेम केस कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, C2O4 डबल नेगेटिव में, इधर CO2 में +4, एन फैक्टर कितना है +3 से +4 में चेंज 1 का इंटू 2 इक्वल टू 2। अब 2 का इंटू क्यों किया, क्योंकि C2O4 में कार्बन की एटोमिसिटी 2 है। S2O3 डबल नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे टाइटेशन में कभी काम आने वाली है। तो आप देखो इस रिएक्शन में सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पर +2, यहां सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2.5, आप देखो दोनों सल्फर में चेंज कितने का है 0.5 का, तो यहां एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हाइपोसॉल्यूशन कहलाता है S2O3 डबल नेगेटिव, यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा +5, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटोमिसिटी ऑफ सल्फर 2 इज इक्वल टू 1। सेम केस यहां एन फैक्टर कितना हो जाएगा 0.5 × 4 इज इक्वल टू 2। तो ये वाली रिएक्शन तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे इस रिएक्शन में, और इनके एनफेक्टर भी याद कर लो। SO2 में अब आप एनफेक्टर सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये बाकी कैलकुलेट करते रहना। नाउ एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड इन विच मोर देन वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, बहुत सिंपल है, अगर किसी एक कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहे हैं, मतलब ये कि किसी एक एलिमेंट ने 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और किसी दूसरे एलिमेंट ने उसी कंपाउंड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, यानी रिलीज किए उतने 6 और गेन किए 2, यानी रिजल्ट कितने का आया उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यानी उस कंपाउंड का ओवरऑल तो ऑक्सीडेशन हुआ लेकिन उसका इन्फेक्टर 4 कहलाएगा। तो ओवरऑल आपको देखना है कि उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने का चेंज है, अगर वो चेंज डिफरेंट है, मतलब ये कि कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, जीरो नहीं आना चाहिए, पहली बात ये, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है तो उसका इन्फेक्टर कहलाएगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा एलिमेंट ने केवल इलेक्ट्रॉन लॉस ही किए हैं
तो वो इलेक्ट्रॉन भाई एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, टू दूसरे इलेक्ट्रॉन लॉस किए, सिक्स, तो दोनों के टोटल कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए इस कंपाउंड से, एट, यानी कि उसका एन फैक्टर एट हो जाए। इस टाइप से इसमें देखते हैं, ठीक है। तो Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो प्लस टू है, कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, Fe पर यहां पर प्लस थ्री हो गया और कार्बन पर प्लस फोर हो गया। आप देखो यहां पर कार्बन से कार्बन तक प्लस थ्री से प्लस फोर में कितने का चेंज आया, वन का चेंज आया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि कार्बन के अकॉर्डिंग अगर हम जब बात करेंगे तो चेंज आया वन इंटू टू, यानी इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लॉस, एल फॉर लॉस। अब आप देखो यहां पर प्लस टू से, ये प्लस टू से प्लस थ्री में, यहां पर प्लस टू से प्लस थ्री में इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहां वन इलेक्ट्रॉन लॉस, तो ये भी लॉस हुआ, यानी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये टोटल एन फैक्टर आ जाएगा, और ये एन फैक्टर कितना हो गया, थ्री हो गया, यानी Fe(C2O4) का एन फैक्टर थ्री है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने गेन किया होता तो आपको डिफरेंस निकालना पड़ता, और ये जो डिफरेंस आता वो डिफरेंस आपको मैग्नीट्यूड लिखना है उस डिफरेंस का। मैंने कहा ये मत बोल देना कि हमने हाई में से, सॉरी लो वैल्यू में से हाई को माइनस कर दिया तो सर वो आंसर नेगेटिव में आ गया, एन फैक्टर आपको विदाउट साइन लिखना है, तो ये आपके पास थ्री हो गया इसका एन फैक्टर। अब चलो मैंने एक एग्जांपल और लिया है KClO3 का, Cl पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव, ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, यहां Cl पर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन और ऑक्सीजन पर जीरो। ध्यान से देखना इसमें कि प्लस फाइव से, प्लस फाइव से माइनस वन में कितने का चेंज आया, प्लस फाइव से माइनस वन में आया सिक्स का चेंज, यानी कि सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन सिक्स मोल इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली मोल के फॉर्म में। अब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहां से हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन में आप ध्यान से देखो, माइनस टू से जीरो में चेंज, तो माइनस टू से जीरो में चेंज, यानी ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग देखो, एक ऑक्सीजन में दो का चेंज है तो दो, और तीन ऑक्सीजन में सिक्स का चेंज, लेकिन ये थ्री टू जो सिक्स इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लॉस, ये लॉस है, और जबकि सीएल में सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो अब प्रॉब्लम ये कि जब आप यहां पर लॉस और गेन करोगे तो आपको ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा, गेन और लॉस, और जो आप डिफरेंस निकालोगे उसका आंसर तो जीरो आ जाएगा। तो जब कभी आंसर जीरो हो जाएगा तो वो आपका एन फैक्टर तो नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर एन फैक्टर तो ये नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में जब कभी जीरो आ जाए तो आप उसमें केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन देखेंगे। अगर आप इसमें केवल ऑक्सीडेशन देखेंगे तो उसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, सिक्स, या केवल रिडक्शन देखेंगे तो उसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, सिक्स। मैं पहले बता चुका हूं एन फैक्टर जीरो नहीं होता है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि बच्चे इसके बारे में काफी पूछते हैं। नाउ एन फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एन फैक्टर इक्वल टू एन वन इंटू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। एन वन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, राइट, इन ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली, एन टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, किसी को भी एक लॉस मान लो, किसी को भी गेन मान लो, एन वन एन टू की वैल्यू निकालो ओवरऑल और क्वेश्चन सोल्व कर लो। जैसे सी यू पॉजिटिव है, सी यू पॉजिटिव इज कन्वर्ट इन टू सी यू डबल पॉजिटिव प्लस सी यू, मैं यहाँ टू नहीं भी लिखता तब भी चल जाता, बस बैलेंसिंग आपको दिखाई नहीं देती तो बस आपको परेशानी होना शुरू हो जाती है कि सर बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग अलग देखेंगे। अब आप देखो यहां पर जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो ये कि प्लस वन से यहां से प्लस टू में चेंज, यानी कि प्लस वन से प्लस टू में चेंज कितने का चेंज आया, एक का, तो यहां पर एन फैक्टर वन, इसके अकॉर्डिंग एन, तो एन फैक्टर हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको एन वन बोल देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा तो यहां पर एन वन की वैल्यू वन, और ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। अब आप देखो यहां से यहां तक प्लस वन से जीरो में चेंज, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, प्लस वन से जीरो में चेंज, तो यहां पर एन टू इक्वल टू कितना हो गया, वन, ये दोनों चीजें हम इस कॉपर के लिए लिख रहे हैं, राइट, एन टू की वैल्यू टू, सॉरी एन टू की वैल्यू वन। अब यहां पर ये प्रोसेस कहलाएगी रिडक्शन, रिडक्शन, ओके तो अब हमको एन वन एन टू की वैल्यू मिल गई, तो एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होगा हमारे पास एन वन इंटू एन टू इज डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। मैंने फॉर्मूला लिखा था, एन वन की वैल्यू इसमें डाल दो कितनी होगी, वन इंटू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, यानी कि वन अपॉन टू। ये सी यू डबल पॉजिटिव का एन फैक्टर वन अपॉन टू, डिस्प्रोपोर्शनेट एलिमेंट यही है,
Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव का n फैक्टर 1/2 होगा और डिस्प्रोपोर्शनेट केवल यही है। ये जो हम लिखते हैं n फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें n फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच डिस्प्रोपोर्शनेट इन द रिएक्शन, जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला लगाना है आपको। जैसे ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये इंडिविजुअल है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका n फैक्टर आपको 1 मिलेगा, इसका इंडिविजुअल देखेंगे तो इसका n फैक्टर 1 मिलेगा। डिस्प्रोपोर्शनेट केवल ये वाला सी है लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब Cl2, अब जैसे यहां Cl2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहां Cl2 पर माइनस वन है, यहां Cl2 प्लस फाइव है, तो Cl2 जीरो से माइनस वन में चेंज और Cl2 जीरो से प्लस फाइव में चेंज। ओके, अब आप यहां पर देखो जीरो से माइनस वन में चेंज, यानी कि हम n1 की वैल्यू निकालेंगे तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई, टू, क्योंकि दो Cl में दो इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। इसी टाइप से अब आप देखो n2 की वैल्यू जीरो से प्लस फाइव में चेंज, कितने का है, पांच का, एक Cl में, दो Cl में कितने का है, दस का चेंज, तो ये टेन। अब n1 मिल गया, n2 मिल गया, यानी n फैक्टर कितना हो गया Cl2 का, 10 into 2 divided by 10 plus 2, 20 divided by 12, right? यानी 5/3, और ये n फैक्टर रख लो, याद कर लो, आगे काम आने वाला है। Now, n फैक्टर ऑफ H2O2, बड़ा जरूरी है, बताना पड़ता है। आप देखो यहां पर अभी H2O2 को ध्यान से देखो, यहां पर H2O2 में ऑक्सीजन पर माइनस वन है, परऑक्साइड है, यहां ऑक्सीजन पर माइनस टू है, यहां ऑक्सीजन पर जीरो है। आप देखो यहां पर H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहां N1 की वैल्यू माइनस वन से माइनस टू में एक का चेंज, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो यहां दो का चेंज। इसी टाइप से आप N2 की वैल्यू माइनस वन से जीरो में चेंज, एक का चेंज, लेकिन यहां दो ऑक्सीजन है तो यहां दो का चेंज। आपको जिस कंपाउंड का देखना है उसी में उसकी एटोमिसिटी देखनी है, बस। आपको ये नहीं कि राइट हैंड साइड तो एटोमिसिटी कुछ और हो गई सर उसको देखना है, नहीं, आप जिस कंपाउंड को देख रहे हैं आप उसी की एटोमिसिटी देखो, फिर लेफ्ट राइट में आपको दूसरी की एटोमिसिटी नहीं देखने की जरूरत है। अब एन फैक्टर क्या होगा इसका, 2 × 2 इज डिवाइडेड बाय 2 + 2, और इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ गया 1। ये 1 एन फैक्टर तब तक तो ठीक है जब ये सेल्फ डिकम्पोजिशन है, सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन इसका एन फैक्टर आपको कभी 1 नहीं लेना है। कब, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ है तो इसका एन फैक्टर हमेशा आपको 2 रखना है। अब रीजन भी समझ लो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ है इसका मतलब H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा, और अगर H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे O2 को हम बनना मानेंगे, O2 का बनना मानेंगे, यानी O2 पर चार्ज कितना है, जीरो, और यहां पर ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, माइनस वन, माइनस वन से जीरो में चेंज कितने का आया, 1 का, तो दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी के अकॉर्डिंग 1 × 2, यानी कि हमारे पास यहां चेंज आया था 1 का, तो 1 × 2 करेंगे तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। यही बात इसमें देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट -2, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ है तो हम इसमें H2O का बनना मानेंगे कि H2O2 से H2O बन रहा है। तो आप देखो -1 से अगर -2 में कन्वर्ट हुआ तो एक ऑक्सीजन में एक का चेंज है, तो दो ऑक्सीजन में कितने का चेंज है, 2 का, तो ये इसका n फैक्टर हो गया 2। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लिखें आप बाय डिफॉल्ट मान के चलो H2O2 का एन फैक्टर आपको 2 लेके चलना। एन फैक्टर इन विच सब्सटेंस एक्ट एज एसिड और बेस एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो एसिड बेस में, पहली बात तो ये, एसिड बेस रिएक्शन में आपको हमेशा, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एन फैक्टर आपको हमेशा HIN और OHIN के अकॉर्डिंग देखना, राइट, और रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग देखना है। अब आप देखिएगा H2C2O4 की रिएक्शन किससे हो रही है, NaOH से, इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो इसका एन फैक्टर हम HIN के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसने अभी इधर कितने H हैं, 2, और यहां पर कितने H हैं, 1, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 1। नाउ H2C2O4 में, यहां पर भी सेकंड रिएक्शन में देखो आप ध्यान से, H2C2O4 की रिएक्शन NaOH से हो रही है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहां भी एन फैक्टर हम HIN OHIN के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एसिड में HIN के अकॉर्डिंग देखते हैं। आप देखिएगा इसका एन फैक्टर कितना हो गया हमारे पास, 1, सॉरी 2,
क्यों हो गया टू? क्योंकि इसने दो एच आयन रिलीज कर दिए। इसे कंपेयर Na2C2O4 से करेंगे। बात यह कि सर आप NaOH को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि मुझे जिसका इन्फेक्टर देखना है हम उससे ही बनने वाले प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, मेन बात यह। अब आता है हमारे पास H2C2O4। H2C2O4 में आप देखो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, इसका मतलब H2C2O4 का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस का केस होगा, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और CO2 में होता है +4। तो हम एच आयन और OH आयन के अकॉर्डिंग एन फैक्टर नहीं देखेंगे, अब एन फैक्टर देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है H2C2O4 का, तो उसका एन फैक्टर देखें आप। देखो इसका एन फैक्टर आ गया 2, क्योंकि इसमें +3 से +4 में एक का चेंज, बट इसकी एटोमिसिटी कितनी है 2, दैट्स व्हाई इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 × 2 = 2। एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड विच पार्शियली पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन, इसका एन फैक्टर पढ़ने के लिए हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा है एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट कंपाउंड। तो अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए हमें बैलेंसिंग मालूम होना चाहिए, तो चलो पहले हम बैलेंसिंग पढ़ लेते हैं। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करने का रूल है एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक मीडियम में अलग। एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करते हैं, सारे एलिमेंट को बैलेंस कर लेते हैं जैसे भी करना है, सबसे लास्ट में हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O को ऐड करते हैं जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है, राइट। एंड हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम एच आयन को जोड़ते हैं, राइट। ये तो होता है एसिडिक मीडियम में। अब आती है बात बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम OH नेगेटिव आयन जोड़ते हैं, OH नेगेटिव आयन, और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम H2O को ऐड करते हैं। अब बात ये आती है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड किया, और एक और बात स्पेशल इसमें, एक हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम एक H2O जोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम एक H2O को ऐड करते हैं। मैंने लिखा हुआ है 1H = 1H2O। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर एक H2O जोड़ने पर दो हाइड्रोजन आ गए, वो ठीक है, जब आप बैलेंस करेंगे तो अपने आप वो बैलेंसिंग हो जाएगी उसमें, लेकिन आप इनको प्रॉपर फॉलो करो। चलिए रिएक्शन देखते हैं। Fe double positive +Cr2O7 डबल नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Cr triple positive +Fe triple positive। ये क्वेश्चन है, ये रिएक्शन लिखी हुई है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम। हर बार आपको ये लिखा नहीं मिलेगा एसिडिक मीडियम, तो कहीं भी रिएक्शन में एच आयन लिखा होगा या कोई एसिड लिखा होगा H2SO4HCl, जिससे आपको मालूम चल जाएगा मीडियम एसिडिक है। तो मैंने लिखा हुआ है Fe double positive +Cr2O7 डबल नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Cr triple positive +Fe triple positive। एन फैक्टर ऑफ Fe double positive इज 1। आप देखो Fe में +2 से +3 में चेंज, तो एन फैक्टर 1। Cr2O7 का एन फैक्टर 6, क्योंकि यहाँ पर +6 से +3 में चेंज आया, और एन फैक्टर निकालना मैं ऊपर सिखा चुका हूँ आपको, पहले आप एन फैक्टर निकाल लीजिए। अब इन दोनों का आपस में इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस टाइप से, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब आप देखो Fe कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड 6, तो यहाँ पर Fe लिख दो 6। यहाँ पर Cr कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड 2, तो यहाँ पर 2 कर दो। ये आपके पास वो एलिमेंट बैलेंस हो गए जो आपको दिख रहे थे, जिनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से हैं? बचे हुए एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह, तो आप देखो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है 7 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो हमें एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना होता है इसमें H2O, तो हम इसमें 7H2O ऐड कर देंगे, ये हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब जैसे हमने इसमें H2O ऐड किया तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 0 है, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है 14, तो इधर ऐड कर देंगे +14H positive, और ये रिएक्शन बैलेंस। आप यहाँ पर 6 × 1 करो, ये जो आपने एन फैक्टर निकाले थे ये होगा 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो ये 6 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी का भी एन फैक्टर, तो किसी का भी एन फैक्टर निकालना है, जैसे एन फैक्टर निकालने के लिए मैंने ऊपर फॉर्मूला भी बताया था आपको, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ही लिखा है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जैसे मैंने इसमें पूछा आपसे कि वट इज द एन फैक्टर ऑफ H2O, मान लो H2O का एन फैक्टर पूछा, तो इन्वॉल्व कितने इलेक्ट्रॉन 6 / 7 हो जाएगा। Fe ट्रिपल पॉजिटिव का एन फैक्टर 6/6, Cr ट्रिपल पॉजिटिव का एन फैक्टर 6/6 सॉरी 2,
यहां पर Cr2O7 का एनफैक्टर भी निकाल देते हैं इस फॉर्मूले से, 6 डिवाइडेड बाय 1, देखो 6 ही आएगा इसका एनफैक्टर, Fe ट्रिपल डबल पॉजिटिव का एनफैक्टर 6 डिवाइडेड बाय 6, एनफैक्टर 1 ही आएगा, यानी जिनका रेडॉक्स रिडक्शन या ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो रहा है उनका एनफैक्टर तो हम विदाउट बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, लेकिन जिन कंपाउंड्स का रिडक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, फिर भी वो रेडॉक्स रिएक्शन में प्रेजेंट है, या जिनका पार्शियल रेडॉक्स हो रहा है, उनका एन फैक्टर निकालने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ेगी, और रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो दैट सब्सटेंस, आपको मिल जाएगा उसमें एन फैक्टर ऑफ दैट कंपाउंड। यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एग्जांपल लिखा हुआ है बताने के लिए कि इसमें देखो एच आयन लिखा हुआ है, एच आयन लिखा हुआ है तो ये एसिडिक मीडियम है, अब आप इसको बैलेंस कर लेना, एन फैक्टर निकाल लेना। नाउ नेक्स्ट Cl2, ये बेसिक मीडियम का है, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे और बेसिक मीडियम को बैलेंस कैसे करेंगे। मैंने बेसिक मीडियम में बताया था कि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए OH जोड़ना पड़ता है, OH नेगेटिव आयन, और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2O को जोड़ते हैं। तो आप देखो यहां पर Cl2 पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, यहां Cl पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, यहां Cl पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1, राइट। यहां पर आप देखो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड Cl2 एक ही बार है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड से बैलेंस कर देता हूं। यहां देखो ये लिखा हुआ है एन फैक्टर, देखो KClO3 के अकॉर्डिंग एन फैक्टर निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि अब +5 से 0 में चेंज, राइट। अब ये मैं बता नहीं रहा हूं जानबूझ के, ऐसे Cl के अकॉर्डिंग एन फैक्टर देखेंगे तो ये 1 आएगा, तो यहां पर एन फैक्टर 1 आएगा, ठीक है। आप रिएक्शन किसी भी साइड से बैलेंस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5। अब आप देखिएगा Cl कितना हो गया, बिल्कुल राइट हैंड साइड 6 हो गया, तो आप यहां 3 का इंटू कर दो, ये Cl2 हो गया, ओके। अब हमको बैलेंस क्या करना है इसमें, K, क्योंकि K भी तो एक ऐसा एलिमेंट है जो अलग से है, सबसे लास्ट में जाके हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो राइट हैंड साइड में के कितने हैं 6, लेफ्ट हैंड साइड के कितने हैं 1, तो यहां पर 6 KOH कर दीजिए। अब हमको ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन देखो आपके पास 6 है, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितनी है 6 है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें ऑक्सीजन के बाद में हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है 6, राइट हैंड साइड कितना है 0, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें इसमें H2O जोड़ना पड़ेगा, और जब हम इसमें H2O जोड़ेंगे तो हमें कितना H2O जोड़ना पड़ेगा, मैंने बताया था एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एक H2O, यानी 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 H2O ऐड करेंगे, तो ठीक है मैं यहां पर 6 H2O ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैंने 6 H2O ऐड किया डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, 6 ऑक्सीजन और बढ़ गए। अब 6 ऑक्सीजन बढ़ गए तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, वापस बात करते हैं। यहां पर हमारे पास अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, मैंने गलती कर दी, यहां पर देखो 6 KOH है, 6 KOH में यहां पर 6 ऑक्सीजन है, लेकिन राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, केवल 3 ऑक्सीजन है, तो पहले तो ऑक्सीजन बैलेंस करो ना। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 3OH ऐड करने पड़ेंगे, 3OH ऐड, OH नेगेटिव आयन ऐड करते। अब जैसे ही हमने 3OH आयन यहां पर ऐड किए तो अब हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 6, जबकि इधर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें 3H2O ऐड करने पड़ेंगे, किधर, इधर आप 3H2O ऐड करो। जैसे ही आपने यहां 3H2O ऐड किया तो आपके पास 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ गए। जैसे ही 3 ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3OH ऐड करेंगे, 3OH ऐड करेंगे, तो आप देखो ये 3OH से ये 3OH कैंसिल हो गया, यानी फाइनल रिएक्शन आपके पास जो आ गई वो ये आ गई, 3Cl2 प्लस 6KOH गिव्स अस KClO3 प्लस 5KCl प्लस 3H2O, ये राइट। अब इसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे, डायरेक्ट 3H2O जोड़ते हैं और उन्हें आंसर मिल जाता है,
आसानी से जैसे लोगों को करने में आ जाता है, तो वो OH का रूल नहीं समझ पाते। मैं भी यहाँ 3H2O लिख देता, बैलेंस हो जाता, आपको ठीक लगता, लेकिन आपको रूल प्रॉपर फॉलो करना है। OH का रूल फॉलो करो, क्योंकि इस एग्जाम्पल में काम चल जाएगा आपका H2O जोड़ने से, अदर एग्जाम्पल्स में काम नहीं चलता है, फिर वहां गलती होती है। सो प्लीज आप OH को प्रॉपर यूज करो, और ये ध्यान रखना जैसे मैंने ऑक्सीजन में मिस्टेक कर दी थी, ऐसी मिस्टेक अगर होगी तो फिर बैलेंसिंग सही नहीं हो पाएगी। अब जैसे मुझसे पूछा गया कि इसमें एन फैक्टर निकालो, तो जो घटना ऊपर हम सॉल्व करते थे 5:1 यानी 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ओके, तो ये इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Cl2, तो Cl2 का एन फैक्टर क्या होगा, 5/3। याद करो मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में भी Cl2 का एन फैक्टर 5/3 निकाला था। तो अगर आपको N1 × N2 / N1 + N2 फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बैलेंस करके भी निकाल सकते हो। KOH का एन फैक्टर कितना होगा, तो KOH का एन फैक्टर निकालेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 5, एन फैक्टर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6, तो 5/6। तो अब इसका मतलब ये कि हर जगह KOH का एन फैक्टर 1 नहीं होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में KOH का एन फैक्टर 1 हो सकता है, बट रेडॉक्स रिएक्शन में KOH, HCl, इनके कुछ और भी एन फैक्टर हो सकते हैं। KClO3 का एन फैक्टर तो वही आ जाएगा जो ऊपर निकाला था, आप देख लो 5/1। KCl का इन्फेक्टर 5/5, H2O का इन्फेक्टर 5/3। तो ये आपको इन्फेक्टर निकालने होते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, मैंने सोचा था इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूंगा और फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, तो आप बैलेंस कर लेना। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बैलेंस रिएक्शन को ये। अब इसमें एन फैक्टर कैसे निकालना है, तो मैंने इसमें लिख दिया है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 6। अगर 6 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 6/1। यहाँ मैंने बैलेंस करके लिखी हुई रिएक्शन, 6/14 इसका इन्फेक्टर, 6/2 इसका इन्फेक्टर, 6/2 इसका इन्फेक्टर, 6/7 इसका इन्फेक्टर, 6/3 इसका इन्फेक्टर, और बैलेंस करके सही देख लेना। हो सकता है बैलेंसिंग में कोई मिसप्रिंटिंग हो जाए तो आप करेक्शन कर लेना, मेथड सही कर लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। आप देखिएगा यहां सिंपल टाइट्रेशन और डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, बहुत सारे टाइट्रेशन होते हैं, बैक टाइट्रेशन होता है। तो सिंपल टाइट्रेशन मतलब हम किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन हमको नहीं पता है, और जिससे कर रहे हैं उसे हम टाइट्रेंट बोलते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है। तो ए प्लस बी कंबाइन होकर सी और डी बनाएंगे, यानी जितना इक्विवेलेंट ए का कंज्यूम होगा उतना ही बी का इक्विवेलेंट कंज्यूम होगा, उतना ही सी का इक्विवेलेंट बनेगा, उतना ही डी का इक्विवेलेंट बनेगा, ये रूल है, राइट। तो मैंने लिखा हुआ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। अब इक्विवेलेंट लिखने के कई तरीके हैं, मैंने ऊपर फॉर्मूला पढ़ाया था, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, n into v, मैंने n1 n v1 n2 v2। अब याद रखना अगर आप इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो वॉल्यूम को आप लीटर में लिखेंगे, लेकिन अगर आप मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो वॉल्यूम को आप ml में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अच्छा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी आप लिख सकते थे एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, इन चीजों को मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है, एन फैक्टर मोलरिटी वॉल्यूम ये लिख दिया है, ठीक है। अब आप जानते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स, तो आप ये यूज कर सकते हैं एन फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ ए, एन फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ बी, एन फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ सी, एन फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ डी। आपको मैंने इक्विवेलेंट का एक टर्म और बताया था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट भी लिख सकते हैं। चलो सर ये तो बात समझ में आ गई कि हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन यूज कैसे करना है। यूज ऐसे करना है, अगर आपको किसी ए सब्सटेंस को बी के इक्विवेलेंट लिखना है तो आप ए सब्सटेंस की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम अगर दिए तो उसको यूज कर लो, बी सब्सटेंस का एन फैक्टर मोलरिटी वॉल्यूम, आप इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हैं, यानी आप इसमें से किसी को भी किसी के इक्वल लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, इसको इसके इक्वल, किसी को भी किसी के इक्वल लिख सकते हैं, जिस टर्म में दिया हुआ है आप उस टर्म में वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में मेन यूज क्या है इसका, मेन यूज ऐसा है इसका, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, स्ट्रेंथ मतलब कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना। इसमें दो स्टेप्स होती हैं जब हम आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। पहली स्टेप जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki और उससे जो I2 प्रोड्यूस होती है उस I2 को सेकेंड स्टेप में हाइपोसॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं। हाइपोसॉल्यूशन से रिएक्ट कराने के बाद हमें हाइपोसॉल्यूशन का डेटा दिया रहेगा और हम उन रिएक्शन को बैलेंस करके
सॉरी उनके इक्विवेलेंट इक्वल रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो समझा देता हूं मैं यहाँ पर। ये दो स्टेप है, पहले स्टेप में ध्यान रखना है आई टू प्रोड्यूस होती है, दूसरे स्टेप में आई टू रिएक्ट करती है हाइपोसॉल्यूशन से, और हाइपोसॉल्यूशन से जो रिएक्शन होती है वो ये है। आपको ये रिएक्शन याद ही करनी है, और साथ में इनके एन फैक्टर भी याद कर लो इस रिएक्शन में, एन फैक्टर टू, एन फैक्टर वन, एन फैक्टर टू याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आपको, क्योंकि हर जगह यूज होनी है। मेन रिएक्शन है सेकंड स्टेप, ये कॉमन रिएक्शन है। अब इसमें दो केस हैं, अब वो दो केस क्या है वो समझते हैं। सबसे पहला केस, इफ एन फैक्टर ऑफ आई टू इज डिफरेंट, सॉरी इज एन फैक्टर ऑफ आई टू इज सेम इन बोथ रिएक्शन, मतलब पहली स्टेप में जो आई टू प्रोड्यूस हो रही है उसका एन फैक्टर, और दूसरी रिएक्शन में जो आई टू रिएक्ट कर रही है उसका एन फैक्टर सेम है। आप देखो ध्यान से, CuSO4 को हम Cu डबल पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में CuSO4 आयनाइज फॉर्म में हो जाएगा। Cu डबल पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव रिएक्ट विद एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki, कन्वर्ट इनटू Cu टू I2 प्लस I2। आप देखो Cu पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 है, इधर Cu पर प्लस 1 है, इसका मतलब Cu डबल पॉजिटिव का इन्फेक्टर 1। Ki का इन्फेक्टर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एक्सेस में है। ओके okay, I2 का इन्फेक्टर निकाल लेते हैं। अब I2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, यहाँ पर माइनस वन है, मुझे I2 की जरूरत थी तो मैं उसका इन्फेक्टर लिख रहा हूँ। जीरो से माइनस वन में चेंज, यानी एक का चेंज, और I2 का इन्फेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर टू। अब आप ध्यान से देखो इसमें, यहाँ आते हैं I2 का इन्फेक्ट, I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास कितना जीरो, यहाँ पर I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, यानी इसका इन्फेक्टर टू। ऐसे ही इसका इन्फेक्टर आप निकालेंगे तो ये प्लस टू है, ये प्लस 2.5 है, और इसका इन्फेक्टर अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया वन। आप ध्यान से देखो, जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो ये कि यहाँ पर I2 का इन्फेक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है। अगर दोनों रिएक्शन में सेम है, इसका मतलब ये कि इक्विवेलेंट ऑफ Cu डबल पॉजिटिव इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट ऑफ I2, और इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट ऑफ S2O3। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ Cu डबल पॉजिटिव इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ S2O3, यानी अगर n फैक्टर ऑफ I2 इज सेम इन बोथ रिएक्शन, देन वी कैन राइट हियर इक्विवेलेंट ऑफ Cu डबल पॉजिटिव या CuSO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ S2O3 डबल नेगेटिव। ये बात केवल तभी लिखी जा सकती है जब दोनों जगह I2 का n फैक्टर सेम हो, यानी आप n फैक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1 इंटू मोल्स ऑफ Cu डबल पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ S2O3 डबल नेगेटिव, और आप यहां पर जो भी डेटा दिया होगा मोल्स वेट वगैरह निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं केस टू में, एन फैक्टर ऑफ I2 इज डिफरेंट इन बोथ रिएक्शन। बहुत दमी से ध्यान से समझना है इस बात को। यहां पर KiO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5, ये ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 1, ये 0। यहां पर KiO3 का एन फैक्टर देखेंगे तो 5 आ जाएगा, I2 का इन्फेक्टर आ जाएगा 5/3। आप देखो इस साइड से अगर आप देखोगे तो I2 डिस्प्रोपोर्शनेट होता हुआ दिखाई देगा, इसका इन्फेक्टर 5/3 है। ओके अब आप देखिएगा यहाँ पर सेकंड स्टेप में, यहाँ तो इन्फेक्टर फिक्स है कि 2 है और ये 1 है, क्या दोनों जगह I2 का इन्फेक्टर सेम है? नहीं है। अगर I2 का इन्फेक्टर सेम नहीं है तो आप यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट बराबर नहीं लिख सकते। इक्विवेलेंट ऑफ I2 रिएक्टेड, सॉरी इक्विवेलेंट ऑफ I2 प्रोड्यूस इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 रिएक्टेड। मैं यहां पर लिख देता हूं इक्विवेलेंट ऑफ आई टू प्रोड्यूस इन फर्स्ट स्टेप प्रोड्यूस इज नॉट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ आई टू रिएक्टेड। तो अगर ऐसा है तो हम इक्विवेलेंट के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, लेकिन हमें ये तो कंफर्म है कि जितनी आई टू के मोल्स बने उतने ही आई टू के मोल्स दूसरी स्टेप में रिएक्ट किया, तो हम यहां मोल्स के टर्म में बात कर सकते थे। हम लिख सकते थे मोल्स ऑफ आई टू प्रोड्यूस इन फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आई टू रिएक्टेड इन सेकेंड स्टेप, तो हम ये वाली टर्म यूज कर सकते थे। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें हम यहां पर क्या लिखेंगे, एन फैक्टर किसका आई टू का, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्विवेलेंट की जगह एन फैक्टर ऑफ के आईओ थ्री, यानी 5 इंटू मोल्स ऑफ के आईओ थ्री, मोल्स ऑफ के आईओ थ्री इज इक्वल टू, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं n फैक्टर ऑफ I2 5/3 इंटू मोल्स ऑफ I2। तो यहां से आप मोल्स ऑफ I2 निकाल लीजिए, ये मोल्स ऑफ I2 आ जाएगा 3 इंटू मोल्स ऑफ KiO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I2, आपने कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन 1। अब इस टाइप से इसमें आओ, इस वाली स्टेप में, यहां से
यहां पर, यहां हम लिख सकते हैं टू इंटू मोल्स ऑफ आई टू इज इक्वल टू वन इंटू मोल्स ऑफ एस टू ओ थ्री डबल नेगेटिव। तो यहां पर मोल्स ऑफ आई टू आप निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ आई टू वो कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू मोल्स ऑफ एस टू ओ थ्री डबल नेगेटिव, इक्वेशन नंबर टू। अब आप देखो इक्वेशन नंबर वन और टू में आई टू के मोल्स निकाल लिए आपने, जब आई टू के मोल्स निकाल लिए तो आप इन वाली टर्म्स को इक्वल रख सकते हैं, यानी हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, थ्री इंटू मोल्स ऑफ के आईओ थ्री, थ्री इंटू मोल्स ऑफ के आईओ थ्री इज इक्वल टू हाफ इंटू मोल्स ऑफ एस टू ओ थ्री डबल नेगेटिव, ये टर्म आ जाएगी। और इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैक टाइटन। बैक टाइटन बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। क्या है वो टर्म वो समझ लेते हैं। बैक टाइटेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई एसिड पड़ा है, एसिड मान लीजिए वो एसिड है हमारे पास HCl, HCl। अब आपने इसके अंदर इसको न्यूट्रल करने के लिए बेस डाल दिया NaOH, लेकिन बेस ज्यादा पड़ गया। अगर बेस ज्यादा पड़ गया तो इसे न्यूट्रल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन तो बेस हो गया, तो इसमें आप एसिड मिलाएंगे। अब HCl मान लीजिए खत्म हो गया, HCl खत्म हो गया तो उसकी जगह दूसरा एसिड कोई डाल दो, मान लो HNO3 डाल दिया और मेजर करके डाला जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाए। अब आप ध्यान से देखो, न्यूट्रल हो तो गया, लेकिन यहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन किसके इक्विवेलेंट है, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके बराबर है। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, यानी यहां पर कौन किस किस से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते थे यहां पर इक्विवेलेंट ऑफ एच सी एल प्लस इक्विवेलेंट ऑफ एच एन ओ थ्री इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एन ए ओ एच। तो इस टाइप की प्रोसेस में आपको कुल मिला के एक रूल फॉलो करना है, वो ये है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की बात होती, मैं इसको दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कंटेनर में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भरा पड़ा है जिसे मैंने नाम दे दिया ए, उसमें आपने कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला जिसे नाम दे दिया बी, लेकिन अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा पड़ गया तो आपको उसे कंप्लीटली न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रल का मतलब है उसे फिनिश करने के लिए, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सी डाल दिया। तो यहां पर भी आप देखो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी। और इस टाइप से आप बैक टाइटेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको C की डेटा दी रहेगी, B की डेटा दी रहेगी, A का वैल्यू निकालना होगा, आप N फैक्टर इनटू मोल्स करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा बिल्कुल वैसे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स आर जनरली वीक ऑर्गेनिक एसिड, वीक ऑर्गेनिक बेस, राइट। यहां पर हमने दो इंडिकेटर्स को लेकर डिस्कस किया, एक है हमारे पास फिनोक्सिलिन और एक है मिथाइल ऑरेंज। फिनोक्सिलिन एसिडिक इंडिकेटर है भाई, एसिडिक इंडिकेटर। आप देखिएगा इसमें फिनोक्सिलिन इंडिकेटर की जो रेंज होती है वो 8.3 से लेकर 10 तक होती है, यानी ये जो काम करता है वो पीएच रेंज होती है 8.3 से लेकर 10 के बीच में। अब ये एसिडिक इंडिकेटर है पहली बात तो, ये इसका मतलब इसके लिए 8.3 से कम वाला सॉल्यूशन एसिडिक कहलाएगा, यानी ये 8.3 से कम वाले सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा यानी वो एचपीएच के फॉर्म में रहेगा, और 10 या 10 से ऊपर वाले सॉल्यूशन में ये आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा तो पीएच नेगेटिव आयन के फॉर्म में रहेगा। तो मैंने यहां लिखा हुआ है एचपीएच कन्वर्ट इनटू पीएच नेगेटिव आयन। एचपीएच का कलर कलरलेस होता है, और जबकि पीएच नेगेटिव आयन पिंक कलर का होता है, यानी अगर सॉल्यूशन में पीएच नेगेटिव आयन होगा तो सॉल्यूशन पिंक कलर का होगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसका मतलब उसका कलर कैसा होगा, पिंक कलर होगा, पिंक कलर हो जाएगा, क्यों, पीएच नेगेटिव आयन कारण। लेकिन अगर सॉल्यूशन का पीएच 8.3 से कम है, तो मैंने पहले बताया कि 8.3 वाले सॉल्यूशन उसके लिए एसिड है, वो खुद एसिड है, तो एसिड में तो वो खुद आयनाइज नहीं होगा। अगर आयनाइज नहीं होगा तो इसका कलर कलरलेस ही रहेगा, यानी कलरलेस, राइट। अगर मान लीजिए पीएच 8.3 से 10 के बीच में चल रहा है, 8.3 से लेकर 10 के बीच में, इसका मतलब ये कि इंडिकेटर का कलर चेंज हो रहा है, यानी वो कलरलेस है। अगर 8.3 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच, तो उसका कलरलेस से धीरे धीरे पिंक कलर आ रहा होगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन से एसिड की तरफ आ रहा है तो पिंक कलर से धीरे धीरे वो कलरलेस की तरफ चल रहा होगा, उसे हम कलर चेंज बोलते हैं। ऐसे मिथाइल ऑरेंज हमारे पास
इसमें मिथाइल ऑरेंज की जो रेंज होती है कलर ट्रांजिशन रेंज वो होती है 3.1 से लेकर 4.4 पीएच वैल्यू। ये एक बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक इंडिकेटर है इसका मतलब हम इसको बेस की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसके लिए कोई सॉल्यूशन बेसिक कब कहलाता है, जब सॉल्यूशन का पीएच 4.4 से ज्यादा है तो उसके लिए बेस है, यानी कि 4.4 से ज्यादा अगर पीएच है सॉल्यूशन का तो उसमें जो MeOH है वो आयनाइज नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा यानी MeOH के फॉर्म में रहेगा क्योंकि वो खुद भी तो बेस है। इसी टाइप से 3.1 वाला सॉल्यूशन या उससे कम वाला सॉल्यूशन इसके लिए एसिड है, तो 3.1 से कम वाले सॉल्यूशन में ये आयनाइज फॉर्म में रहेगा। तो आप देखो MeOH का कलर होता है येलो और Me पॉजिटिव का कलर होता है रेड, यानी Me पॉजिटिव फॉर्म में अगर होगा तो कलर रेड मिलेगा हमको। अब देखो सॉल्यूशन का कलर मान लीजिए लेस देन 3.5 है, लेस देन 3.1 है पीएच वैल्यू, अगर 3.1 से कम है इसका मतलब ये है कि जो MeOH है उसके लिए सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक, तो उसमें तो वो आयनाइज फॉर्म में हो जाएगा, आयनाइज फॉर्म में हो जाएगा इसका मतलब Me पॉजिटिव प्रेजेंट होगा और Me पॉजिटिव होगा तो उसके अकॉर्डिंग कलर कैसा आ जाएगा सॉल्यूशन का, रेड। इसी टाइप से अगर पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.4 है, यानी अब MeOH के लिए तो ये बेसिक हो गया ना, MeOH के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि उसके लिए, क्योंकि अब उसके लिए वो बेसिक हो गया तो अब सॉल्यूशन में MeOH आयनाइज नहीं होगा तो अब वो उसके अंदर MeOH के फॉर्म में ही रहेगा, और अगर वो MeOH के फॉर्म में रहेगा तो MeOH का कलर कैसा होता है, येलो, यानी अब सॉल्यूशन का कलर आपको येलो मिलेगा। सेम बात अगर पीएच की वैल्यू 3.1 से 4.4 के बीच में वेरी कर रही है तो कलर चेंज होता है इंडिकेटर का, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। तो अब हम डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है ये। Na2CO3 को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो पहले NaHCO3 बनता है, स्टेप बनने का यही है, फिर H2CO3 बनता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम इंडिकेटर ना डालें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि NaHCO3 बना या नहीं बना, H2CO3 कब तक बनेगा ये कुछ मालूम नहीं चलता, सब कुछ कलरलेस है, तो हमें इंडिकेटर यूज करना पड़ता है। अगर हम HPH इंडिकेटर यूज करते हैं शुरू में HPH, तो Na2CO3 से NaHCO3 के बनने का पता चलेगा, क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है 8 के आसपास आती है, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, 10 के ऊपर होती है कुल मिला के ये है, तो इस बीच में ये काम करता है HPH इंडिकेटर। और H2CO3 एसिडिक फॉर्म में आ जाता है तो यहां पर मिथाइल ऑरेंज काम करेगा, मिथाइल ऑरेंज का बनने का बताएगा। कुल मिला के शॉर्ट फॉर्म में जब हम रिविजन कर रहे हैं तो रिविजन के टाइम में मैं केवल इतना बोलूंगा इसमें कि Na2CO3 से NaHCO3 के बनने का पता आपको केवल HPH से चलेगा, यहां पर जो दो एग्जांपल हमने लिए उसके अकॉर्डिंग, और NaHCO3 से H2CO3 बनने का पता MeOH से चलेगा, यानी कि H2CO3 के बनने का पता आपको MeOH से चलेगा चाहे आप उसमें Na2CO3 से बनाए। अगर आप Na2CO3 सॉल्यूशन के साथ में शुरू में ही MeOH इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो डायरेक्ट आपको H2CO3 बनने का पता चलेगा, NaHCO3 बनने का पता नहीं चलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप शुरू में MeOH डाल देते हैं तो वो सिंगल टाइट्रेशन कहलाएगा, लेकिन अगर शुरू में आप फिनोक्सिलिन इंडिकेटर यूज करते हैं तो सेकेंड स्टेप में आपको MeOH यूज करनी पड़ेगी, यानी आप दो इंडिकेटर यूज करते हैं, तो इस टाइप के टाइट्रेशन को बोलते हैं डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन या डबल टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 विद HCl एग्जांपल समझो, मैंने यहां पर डायग्राम बनाया हुआ है, वीडियो लेंथी भी हो गया, अब समझाना तो पड़ेगा। Na2CO3 सॉल्यूशन के अंदर है, मैंने बोल दिया मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3, मान लीजिए ए मिलीमोल है, ये ए मिलीमोल है, इसमें एसिड है, सबसे पहले हमने एच एसिड मिला रहे हैं हम इसमें, राइट, HCl, सबसे पहले हमने इसमें HPH इंडिकेटर यूज किया, HPH इंडिकेटर यूज करेंगे तो क्या होगा, तो हमें केवल NaHCO3 के मिलने का बनने का पता चलेगा, तो हमने यहां पर HPH यूज किया स्टेज वन में, रिएक्शन क्या होगी, Na2CO3 प्लस HCl इज कन्वर्ट इनटू NaHCO3। अब सॉल्यूशन में जितना भी Na2CO3 था वो सारे का सारा NaHCO3 बन गया, तो NaHCO3 कितना बन गया, कितना बन गया, यानी जितना Na2CO3 था ये A बन गया। तो अब आगे जो सेकंड स्टेप होगी, वो सेकंड स्टेप में जब हम और HCl मिलाएंगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा NaHCO3 से, अब Na2CO3 की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आगे जो सेकंड रिएक्शन होगी वो NaHCO3 से होगी। यहां पर आप लिख सकते थे, आप यहां पर, चलो मैं HCl लिख देता हूं आपको प्रॉब्लम ना हो,
HCl, राइट, ये HCl लिखा हुआ है, तो यहां पर NaCl डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब NaHCO3 कितना बन गया इसमें, A मिलीमोल्स बन गया, इसका n फैक्टर 1 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, और इसका n फैक्टर तो 1 है ही, आप लिख सकते थे यहां पर 1 into मिलीमोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 1 into मिलीमोल ऑफ HCl, यानी आप लिख सकते 1 into A इज इक्वल टू 1 into मिलीमोल ऑफ HCl, और जो भी डेटा आपको दिया हो वो आप लिख लेना। यहां पर मान लीजिए मैंने x डाल दिया, इक्वेशन वन। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, स्टेज टू। स्टेज टू हम यहां पर कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, MuH। अब जब MuH डालेंगे तो जैसे हमने इसमें अब MuH मिला दिया, MuH मिलाने के बाद फिर से HCl मिलाना शुरू किया, जब हम HCl मिलाएंगे तो वो HCl किससे रिएक्ट करेगा, NaHCO3 से, और NaHCO3 का अमाउंट कितना है, A, क्योंकि वो तो Na2CO3 से बना, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर NaHCO3 प्लस HCl, और यहां पर MuH लिख दो, चलो जैसे यहां पर HPS, और इससे बनेगा हमारे पास H2CO3 प्लस NaCl, ये NaCl बाय प्रोडक्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। n फैक्टर 1, इसके मिलीमोल्स कितने, A, इसका भी n फैक्टर 1, तो हम यहां लिख सकते थे 1 into A इज इक्वल टू 1 into मिलीमोल ऑफ HCl, और इसकी वैल्यू आ जाएगी y, इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप से दो स्टेप में जहां भी जो भी आंसर वैल्यू डालनी है आप सॉल्व करना। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सर अगर शुरू में ही हमने कंप्लीट टाइटेशन कर दिया होता, यहां पर शुरू में हमने बहुत सारा अमाउंट इसमें, सॉरी इनिशियली हमने इसमें MuH मिला दिया होता तो क्या होता, तो उसको बोलते हैं पहले तो हम कंप्लीट टाइटेशन, ये समझ लो सिंगल टाइटेशन कहलाता है। ये जो अभी हमने किया ये दो स्टेप में किया, ये कहलाता है डबल इंडिकेटेड टाइटेशन या डबल टाइटेशन। अब बात करते हैं कंप्लीट टाइटेशन, अगर हमने शुरू में ही इसमें Na2CO3 में MuH मिला दिया होता इंडिकेटर तो क्या होता, तो Na2CO3, और मैंने ये बताया कि Na2CO3 में अगर आप MuH मिला देंगे तो आप वो डायरेक्ट किसके बनने का पता चलेगा, H2CO3 का, तो आप डायरेक्ट सिंगल एक रिएक्शन लिखेंगे इसमें, Na2CO3 प्लस HCl gives us H2CO3 प्लस NaCl, वगैरह बैलेंस कर लेना। n फैक्टर इसका कितना है 2, इसके मिलीमोल्स कितने थे, A, इसका n फैक्टर 1, तो आप यहां डायरेक्ट लिखेंगे 2 into, इसमें MuH मिलाया भाई, MuH एक ही इक्विवेलेंट पॉइंट मिलेगा इसमें, उसमें जबकि दो इक्विवेलेंट पॉइंट मिल रहे थे आपको, तो 2 into A इज इक्वल टू 1 into मिलीमोल ऑफ HCl, और ये वैल्यू आप जेड लिख सकते हैं, ये आपके पास इस टाइप से जो भी वैल्यू दी हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल 2 थोड़ा जल्दी समझते हैं इसको भी। मैंने ये लिखा हुआ है टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 विद HCl, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, Na2CO3 भी स्ट्रॉन्ग बेस है, आपने इसमें HCl मिलाया तो Na2CO3 NaOH तो पहली स्टेप में फिनिश हो जाएगा, आपको मालूम है NaOH के मिलीमोल्स कितने B और Na2CO3 के मिलीमोल्स कितने A, ये रहे A मिलीमोल्स, ये रहे B मिलीमोल्स, जब आप इसमें HCl मिलाएंगे तो जो NaOH है वो तो खत्म हो गया NaCl वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो Na2CO3 है इन प्रेजेंस ऑफ HPS बात कर रहे हैं, HPS तो Na2CO3 किस में कन्वर्ट होगा, NaHCO3 में, यानी कि सेकंड स्टेप पर हमारे पास रिएक्शन में रिएक्शन करने के लिए केवल NaHCO3 होगा, NaOH नहीं मिलेगा, NaOH तो पहली स्टेप में फिनिश हो गया, Na2CO3 भी फिनिश हो गया, लेकिन Na2CO3 फिनिश होकर क्या बन गया, NaHCO3, और उससे NaHCO3 कितना बना, जितना Na2CO3 था, और Na2CO3 था A मिलीमोल। तो स्टेप फर्स्ट में हम कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, HPS, रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास, Na2CO3 plus NaOH gives us NaHCO3 plus NaCl plus H2O वगैरह वगैरह। अब आप ध्यान से देखो इसमें जो रिएक्शन हमने की वो रिएक्शन HCl से की है, प्लस HCl, राइट, n फैक्टर ऑफ Na2CO3 1, n फैक्टर ऑफ NaOH 1, n फैक्टर ऑफ HCl 1, और इसका n फैक्टर, सॉरी इसके मिलीमोल्स A, इसके मिलीमोल्स B, आप देखो ये दोनों बेस इस एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा, तो हम याद रखना हमेशा कभी भी बोलते हैं टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस, याद करो मैंने बैक टाइटेशन में ऐसे ही केस पढ़ाया था आपको, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस,
सेम केस, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों बेस हैं, यानी हम लिखेंगे 1 into A + 1 into B = 1 into millimole ऑफ HCl। ये लिखा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार मैंने लिखा है यहां पर 1 into millimoles ऑफ Na2CO3 प्लस 1 into millimole ऑफ NaOH, क्योंकि ये दोनों बेस हैं और इन दोनों का इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, HCl के बराबर। तो हमने इसको लिख दिया 1 into millimole ऑफ HCl। ये तो स्टेप वन। अब आता है स्टेज टू। स्टेज सेकंड में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, MuH। जब स्टेज टू है इसका मतलब यहां पर अब हम MuH मिलाने जा रहे हैं। MuH मिलाने के बाद में फिर से जब एसिड मिलाएंगे तो अब रिएक्शन किससे स्टार्ट होगी, कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास कंटेनर में प्रेजेंट है, वो है हमारे पास NaHCO3। और NaHCO3 क्वांटिटी कितनी है, A, क्योंकि Na2CO3 भी A था। यानी हम लिखेंगे NaHCO3 प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2CO3 और इसके मिलीमोल्स A हैं, N फैक्टर 1। तो आप यहां लिखेंगे 1 into A = 1 into millimole ऑफ HCl और ये वैल्यू आपके पास y है। इक्वेशन नंबर 2 आपको y दिया होगा, a मिल जाएगा, फर्स्ट स्टेप में डाल देना, b निकाल लेना है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे आप क्वेश्चन करते जाओ। अब इसका कंप्लीट टाइट्रेशन करें भाई, कंप्लीट टाइट्रेशन। अगर कंप्लीट टाइट्रेशन करते हैं तो आपको इनिशियली शुरू में क्या डालना पड़ेगा, MuH इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, ये बात आप जानते हैं। अब कंटेनर में हमारे पास कौन कौन था, Na2CO3 प्लस NaOH प्लस HCl डाला इन प्रेजेंस ऑफ MuH। अब MuH डाला तो आपको पता है NaCl बन गया NaOH से और ये बन गया H2CO3 डायरेक्ट, आपको H2CO3 के बारे में पता चलेगा, प्लस वगैरह जो भी आपको H2 वगैरह बनाना है बनाते रहो। इसका मिलीमोल्स था A, इसका मिलीमोल्स था B, तो और इसका इन्फेक्टर आया हमारे पास, अब ध्यान से देखो H2CO3 किसे कंपेयर करेंगे तो इसका इन्फेक्टर आएगा 2, इसका इन्फेक्टर आएगा 1, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, NaOH का इन्फेक्टर 1 होगा, HCl का इन्फेक्टर 1 और इन दोनों का इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। यानी अब आप लिखेंगे 2 into A + 1 into B = 1 into millimole ऑफ HCl और ये कहलाएगा Z, राइट। तो ये कंप्लीट टाइटेशन हो गया, इसके क्वेश्चन नंबर 3 दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन जैसे भी दिए हैं, आप जब क्वेश्चन करें तो आप इस वीडियो को देखकर इसको प्रॉपर फॉलो करें, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब रिवीजन है तो बहुत सारी चीजें इसमें और भी बताने को होती हैं जो मैं नहीं बता पा रहा हूं, स्किप कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी भी हो गया। मैंने एक और एग्जांपल लिया है, टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 NaHCO3 NaOH विद HCl, यानी तीन चीजें प्रेजेंट हैं, इसके मिलीमोल्स हैं A, इसके मिलीमोल्स हैं B, इसके मिलीमोल्स हैं C, ये पहली कंडीशन है। इसमें हम पहले फिनोक्सिलीन इंडिकेटर डालेंगे, अगर फिनोक्सिलीन इंडिकेटर डालेंगे तो स्टेज वन में Na2CO3, ये बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, Na2CO3 प्लस NaHCO3 प्लस NaOH, ये तीनों चीजें कंटेनर प्रेजेंट हैं, इनको HCl से रिएक्ट कराया प्रोडक्ट, और इंडिकेटर कौन है, HPH। जब HPH लेंगे तो हमें किसके बनने का पता चलेगा, NaHCO3 का। अगर NaHCO3 का बनने का पता चलेगा इसका मतलब यहां पर NaHCO3 की रिएक्शन आपको नहीं करानी है, इसका मतलब ये यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कंटेनर में तो रहेगा लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट केवल Na2CO3 और NaOH करेंगे, इनकी क्वांटिटी हमारे पास ये है। इसका एन फैक्टर होगा 1, इसका एन फैक्टर होगा 1 और आप जानते हैं दोनों बेस हैं, और HCl का एन फैक्टर होगा 1, HCl एसिड है, इसका मतलब आप लिखेंगे 1 into A + 1 into C = 1 into millimole ऑफ HCl x, इक्वेशन नंबर 1। अब आप वापस ध्यान से सुनना, कंटेनर में Na2CO3 फिनिश हो गया, इससे क्या बन गया NaHCO3, कितना बन गया NaHCO3 A मिलीमोल, NaOH फिनिश हो गया वो तो बचा ही नहीं। अब कंटेनर में लेकिन एक और चीज बच गई, वो क्या, पहले से लिया हुआ NaHCO3। यानी अब जब सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे तो सेकंड स्टेप में जो रिएक्टेंट हमारे पास होगा कंटेनर के अंदर वो कौन होगा, वो होगा NaHCO3, और वो NaHCO3 कितना होगा,
सेकेंड स्टेप में, वो NaCO3 होगा हमारे पास A+B, क्योंकि A बन गया और B पहले से था। तो सेकेंड स्टेप में ध्यान देना होता है, यानी कि हम स्टेज टू MeOH मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, NaHCO3, और मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं NaHCO3 के मिलीमोल्स टोटल कितने, A+B, रिएक्ट विद HCl गिव्स अस इन प्रेजेंस ऑफ MeOH H2CO3 n फैक्टर इज वन, आप लिखेंगे 1 into A+B = 1 into mmol of HCl, और ये होगा हमारे पास y, इक्वेशन नंबर टू। ये जो a प्लस बी है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लेना, कुल मिलाकर जरूरी है ये चीज। अगर हम कंप्लीट टाइट्रेशन करते हैं, तो कंप्लीट टाइट्रेशन में हम शुरू में ही क्या डाल देंगे, टाइट्रेशन में MeOH को इंट्रोड्यूस कर देंगे, इनिशियली हम MeOH डाल दें इसमें। अगर हमने इसमें MeOH को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, कंटेनर में देखो Na2CO3 था, NaHCO3 था, इनिशियली बात कर रहे हैं अब, राइट, शुरुआत में बिल्कुल NaOH था तीनों, इसमें HCl इन प्रेजेंस ऑफ MeOH, तो अब तीनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि यहां पर H2CO3 बनना है प्लस NaCl वगैरह, इसका n फैक्टर 2, इसका n फैक्टर 1, क्योंकि आप इसको कंपेयर करेंगे H2CO3 से, तो इसका n फैक्टर बनाएगा, Na2CO3 को H2CO3 से कंपेयर करेंगे तो n फैक्टर आपके पास आएगा 2, राइट, और NaOH का n फैक्टर हमारे पास कितना हो गया 1, HCl का n फैक्टर हमारे पास कितना हो गया 1, इसके मिलीमोल से A, इसके मिलीमोल से बी, इसके मिलीमोल से सी, और ये तीनों बेस हैं जो HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी इन तीनों का इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा, मैंने पहले ही बोला है टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेसेस, या टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेसेस इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स, या टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है, एजेंट्स बोल रहा हूं, यानी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तब भी रख सकते हैं उनको, तो आप यहां लिखेंगे 2 into A + 1 into B + 1 into C = 1 into mmol of HCl, और ये जेड, और टाइपिंग और कोई मिस प्रिंटिंग हो गई देख लेना, क्योंकि जल्दीबाजी में वीडियो शॉर्ट बनाने के चक्कर में फास्ट बोलना पड़ता है तो मिस प्रिंटिंग हो सकती है, बस ये हार्डनेस ऑफ वाटर। आप देखो इसमें हार्डनेस ऑफ वाटर में पानी में हार्डनेस ऑफ वाटर होती है कुछ सॉल्ट्स के कारण, तो वो सॉल्ट्स के कारण हार्डनेस होती है, मैंने यहां लिखा हुआ है, आप इन वीडियो में आराम से स्टॉप करके देख लेना इसको, मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं वो आपको चीज बता देता हूं। आप यहां देखो हार्डनेस ऑफ वाटर जब हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हम ppm के फॉर्म में लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में, यानी जब भी आपको हार्डनेस ऑफ वाटर कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट आपको ppm कैलकुलेट करना है, लेकिन वो ppm कैल्शियम कार्बोनेट एंड CaCO3 के फॉर्म में निकालनी होती है, तो जिन सॉल्ट के कारण हार्डनेस होती है उन सॉल्ट को का इक्विवेलेंट आप CaCO3 के इक्वल लिखो, और उनका इक्विवेलेंट निकालने के बाद में उससे उसके थ्रू आप CaCO3 के मोल्स पता करो, उसके मास निकालो, ppm का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। अब मैंने ppm का जो फॉर्मूला लिखा उसमें देखो क्या लिखा है, वेट ऑफ CaCO3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सही बात है सॉल्यूशन ही होता है, लेकिन ppm के केस में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, तो हम सॉल्वेंट को ही सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो कहीं कहीं हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, V liter of solution contains A milligram MgSO4, B milligram CaCl2 and C milligram MgCl2, calculate hardness of water। तो हम इन सबको, इन सब का equivalent किसके बराबर लिखने वाले हैं, CaCO3 के, solve कैसे करेंगे वो देख लो, millimoles of MgSO4 क्या हो जाएंगे, millimoles of MgSO4 हो जाएगा, पहले तो देखो वेट कितना है MgSO4 का, A मिलीग्राम डिवाइडेड बाय
MgSO4 का मोलर मास कितना होगा 120 ग्राम पर मोल। अगर आप ग्राम पर मोल देखेंगे तो आपके पास A अपॉन 120 मिलीमोल्स आ जाएगा, अपने आप ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। इस टाइप से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यूनिट बदल के भी कर सकते हैं, वो आपका तरीका हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, मिलीमोल्स ऑफ CaCl2, मोलर मास आप एक बार चेक कर लेना सब कुछ सही। B मिलीग्राम डिवाइडेड बाय CaCl2 111 ग्राम पर मोल, और ये आपके पास आ गया B अपॉन 111 मिलीमोल। नाउ मिलीमोल्स ऑफ CaCl MgCl2 सॉरी C इज डिवाइडेड बाय 95 और ये आपके पास मिलीमोल्स हो गए। बिल्कुल वैसे यूनिट लिखी है मैंने यहां पर भी, ये तीनों के मिलीमोल्स हो गए। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। यानी आपको अल्टीमेटली कहीं CaCO3 नहीं दिया था इसमें, लेकिन आपको लिखना CaCO3 के बराबर है। और अगर CaCO3 दिया होता तो उसको भी इधर लिखने के बाद उसके बराबर लिखते, यानी आपको उसको भी इसमें लेफ्ट हैंड साइड ऐड करके टोटल CaCO3 क्वांटिटी निकालनी होती है। ठीक है, अब इनके इन्फेक्टर, सबके इन्फेक्टर 2 हैं तो आराम से कट जाएंगे। तो 2 इंटू मिलीमोल ऑफ MgSO4 प्लस 2 इंटू मिलीमोल ऑफ CaCl2 प्लस 2 इंटू मिलीमोल ऑफ MgCl2 इक्वल टू 2 इंटू मिलीमोल ऑफ CaCO3 का भी मिलीमोल्स कितना, सॉरी इन्फेक्टर कितना होता है 2 CaCO3, ये 2 कैंसिल हो गया सभी साइड में, राइट 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास मिलीमोल्स ऑफ MgSO4 था कितना, ये था A बाई 120। तो A अपॉन 120 प्लस B अपॉन 111 प्लस C अपॉन 95 इज इक्वल टू आपके पास आ गया मिलीमोल ऑफ CaCO3। मान लो ये टोटल वैल्यू X आ गई, तो आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ CaCO3 निकाल लो। मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, X इंटू 10^-3 मोल्स। तो इसका वेट बना लो, तो वेट ऑफ CaCO3 कितना हो गया, वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू X इंटू 10^-3 इंटू 100। ये आपके पास ग्राम के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, जो ना PPM का फॉर्मूला बताया था, X इंटू 10^-3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6, और जो आप आंसर निकालेंगे वो आपका आंसर होगा। अब इसमें एक बात प्रॉब्लम थी कि मैंने क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में तो दे रखा है, लेकिन मैंने यहां पर उसकी डेंसिटी नहीं दी है। अगर डेंसिटी नहीं दी है, इसका मतलब यह है कि वो क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दी है, इसका मतलब यह है कि वहां पर आपको 1 ग्राम पर ml डेंसिटी लेके चलनी है। ओके, और यह आपका रिविजन कंप्लीट, और इसके लिए आज के लिए इतनी ही। थैंक यू।